Assalamualaikum, good morning students. How are you all? I hope you are all fine and enjoying your studies at home. I am your English teacher. Tell me, what is the day today? All right, and what's the date? Okay, which period is this? English period. Which period is this? Ji beta, English ka period hai. Which period is this? English period. Okay dear students, we learn about noun. Yaad hai aapne noun ka book page bhi kiya tha. याद आया, नाउन जो होता है वो एनी नेमिंग वर्ड को, यानी कि एन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ नेम. ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ है उनमें से हर चीज का कोई ना कोई एक नेम है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन. एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. बट समटाइम्स, बट लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ऐसे होते हैं कि आप एक ही नेम को बार बार रिपीट नहीं करते हो, वो काफी ज्यादा रेपिटेशन शो होती है. तो आप उन नेम की जगह, नाउन की जगह ही शी इट दे हुई का यूज करते हो. और जो ये ही शी इट दे हुई होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन की जगह आ जाते हैं तो उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि मेरा आपका नाम सानिया, सानिया, सानिया. ठीक है, सानिया, सानिया इज अ गर्ल, सानिया इज अ गुड गर्ल, सानिया लिव्स इन लाहौर, सानिया लाइक्स टू ईट एप्पल. अब टीचर ने फोर सेंटेंसेस, फोर टू फाइव सेंटेंसेस बोले और हर वर्ड में सानिया से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सानिया की जगह सानिया गर्ल है और गर्ल के लिए हम शी यूज करते हैं ना. अगर सानिया की जगह आप शी लगा दो, सानिया इज अ गर्ल, शी लाइक्स टू ईट एप्पल, शी लाइक्स टू राइट गुड फॉर्मेशन, शी लाइक्स टू प्ले विथ डॉल. ठीक है, तो टीचर ने शी का यूज कर लिया. अब नेम की जगह, नाउन की जगह जो टीचर ने शी यूज किया, ये है प्रोनाउन. इज दैट क्लियर? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज हम लर्न करेंगे बुक पेज नंबर 75 पे प्रोनाउन के बारे में. आइए लेट सी, दिस इज योर बुक पेज 75. टीचर हैज राइट द सेम लाइन्स ऑन व्हाइट बोर्ड. नाउ फोकस द व्हाइट बोर्ड. इंट्रो ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन, इंट्रो ऑफ प्रोनाउन, इंट्रो ऑफ प्रोनाउंस, इंट्रो ऑफ प्रोनाउंस, 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 प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउंस, प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउंस, प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन. जी बेटा, जो प्रोनाउंस होते हैं टेक प्लेस, यानी कि वो जगह ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली जो है उसकी जगह हम ही यूज करते हैं. कुछ ज्यादा सारे लोग हैं, हम उनका नेम नहीं लेंगे, अली, हसन, मुस्तफा, हम उनके लिए दे यूज करेंगे. ठीक है, और अगर खुद के लिए बात करनी हो, जैसे माय सिस्टर सारा, माय मदर, तो आप वो वी का यूज करते हो. ठीक है, सो प्रोनाउन जो होते हैं दे टेक प्लेस ऑफ नाउन्स. दे कैन बी यूज टू प्रिवेंट द रेपिटेशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस. दे कैन बी यूज टू प्रिवेंट द रेपिटेशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस. दे कैन बी यूज टू प्रिवेंट द रेपिटेशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस. जी बेटा बिल्कुल, जैसे टीचर ने आपको पहले भी बताया है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, दे, वी, ये नाउन की रेपिटेशन, यानी कि बार बार नाउन के आने को रोकते हैं और उनकी जगह खुद आ जाते हैं. जैसे अली, अली, अली हर बार नहीं बोलेंगे, अली की जगह कोई और भी नेम हो सकता है ना. ठीक है, आप उसकी जगह प्रोनाउन ही, शी, इट यूज करोगे ताकि रेपिटेशन नहीं हो आपके सेंटेंस में. अब देखिए, आई, ही, शी, यू, इट, अब ये क्या है? ऑल दीज आर प्रोनाउन. All these are pronoun. मेरे साथ बोलिए, I, 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 he, 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 she, 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 you, 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 it, it, it. जी डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अबाउट प्रोनाउंस. आज हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. और नाउन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि, जो प्रोनाउन इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोनाउंस, ताकि नाउन की रेपिटेशन कम हो जाए. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आपने 75 पेज की रीडिंग करने से पहले डेट मेंशन करनी है, सी डब्ल्यू क्लास वर्क लिखना है और डे मेंशन करना है, और अच्छी सी रीडिंग करके आपने इसको लर्न करना है.
So have a nice day. Allah Hafiz.